बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम बरकत के साथ करेंगे आज आपसे एक ज़बरदस्त सिंपल सी रेसिपी। बनाएंगे आज हम दाल चावल, मसूर की दाल बनाएंगे और उसमें मैंने मिक्स की है माश की दाल। तो दाल को भिगो दिया हुआ है और लहसुन और प्याज को करेंगे ब्राउन। बिल्कुल सिंपल सी है और मज़ा आएगा और झटपट बनने वाली आज की रेसिपी है। तो जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक अपना जरूर देते रहा करें। ब्राउन होने पे थोड़ा सा पानी ऐड किया था और ऐड करेंगे इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, नमक साथ ही ऐड कर दिया था, सुरख मिर्च और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब चीज़ें इकट्ठे मिक्स करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी इसके डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे, फिर हम इसको सीटी लगवा देंगे और सीटी के बीच ही हमने ये सारा कुछ अच्छे से गला लेना है। एक से दो मिनट इसको अच्छे से भून लें, फिर इसमें दाल मिक्स करें। एक से दो मिनट हो गए हैं, ये मसूर की लाल दाल है और ये बहुत ही कम टाइम में इसकी कुकिंग हो जाती है। तो इसको हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए वेट लगवाना है और दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। पानी की क्वांटिटी इसमें आप अपने हिसाब से रखें, आधा किलो दाल थी तो उस हिसाब से मैं पानी इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी। 10 मिनट तक मैंने इसको वेट लगवाया था, ज़्यादा देर नहीं लगवाया, सिर्फ 10 मिनट तक लगवाया था। हर चीज़ अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। सूखी मेथी थोड़ी सी ऐड की है बस इसमें और नमक ऐड किया था और हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिल्कुल रेडी है हमारी आज की माश और मसूर की दाल। इसको डिश आउट करते हैं एक बर्तन में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है आज के दाल चावल। और ज़ीरा राइस मैंने बनाए थे, इसकी भी मैं आपको इसकी वीडियो सेंड करूंगी, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद है आज की ये सिंपल और झटपट बनने वाली ये दाल चावल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो किया करें मेरी वीडियोस को और फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।